फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव एक नए स्कैम में फंस गए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव, कॉमेडियन भारती सिंह और तीन अन्य को हाईबॉक्स ऐप से जुड़े 500 करोड़ रुपए के स्कैम के सिलसिले में तलब किया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को 500 से अधिक शिकायतें मिली, जिनमें आरोप लगाया गया कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने अपने पेज पर हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन को प्रमोट किया और लोगों को ऐप के जरिए से निवेश करने का लालच दिया। वहीं इस ऐप के जरिए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने रोजाना 1-5% की गारंटीड रिटर्न का वादा किया था, जो कि महीने में 30-90% तक होता है। ऐप को फरवरी साल 2024 में लॉन्च किया गया था और ऐप में 30,000 से ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया था। इसके बाद शुरुआती 5 महीनों में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन जुलाई से ऐप ने टेक्निकल ग्लिच, लीगल इशू, जीएसटी इशू आदि का हवाला देते हुए पेमेंट रोक दी। वहीं आपको बता दें कि सौरभ जोशी, एल्विश यादव, भारती सिंह, हर्ष लिबाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह सहित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने हाईबॉक्स एप्लीकेशन को प्रमोट किया। क्या आपने कभी हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में सुना था या कभी इसमें निवेश किया था? तो सतर्क हो जाएं, और अगर कोई आपके जानने में इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है और निवेश कर रहा है तो तुरंत इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी इस स्कैम से बच पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।